हमारा सिलेंडर है, इसमें से ये अभी हमने लगाया था, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से स्मेल आ रही है गैस की। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से गैस की स्मेल इसमें से आ रही है या सिलेंडर ये रेगुलेटर लगाते हैं टाइम पर भी थोड़ी सी स्मेल आती है, तो हम इसे इंश्योर करेंगे कि वो किस तरह से निकल रही है। तो सबसे पहले ये जो रेगुलेटर है इसके पास में हम अपना कान लेकर आएंगे ऐसे। अभी तो इसके अंदर आइस स्मेल नहीं आ रही है, अब हम इसका स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद में फिर से हम कान लगा के देखेंगे कि इसमें से सूंघ की साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ तो गाइस इसमें से सूंघ की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब गैस लीक हो रही है। अगर इसमें से कोई भी नॉइज नहीं आ रही होती तो आप हम समझ लेते हैं कि हमारा रेगुलेटर एकदम सही लगा है और स्मेल भी नहीं आ रही, क्योंकि मुझे स्मेल भी आ रही थी और जब मैंने कान लगा के देखा तो आवाज़ भी आ रही थी, तो इसलिए पता चल रहा है कि हमारा रेगुलेटर जो है प्रॉपर नहीं लगा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो स्विच है इसको हम ऑफ करेंगे, नाप को ऑफ करेंगे नीचे की साइड में, और फिर इस सिलेंडर इसको रेगुलेटर को हम निकालेंगे और फिर दोबारा से हम इसको यहाँ से ये प्रेस करेंगे और इसे दोबारा से इसमें फिट करेंगे। ऐसे प्रेस करने के बाद में जो हमने 4 उंगली से इसको उठाया हुआ था उसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद में इसे नीचे को दबाएंगे तो ये कट से साउंड आएगी गाइस। उसके बाद में हम फिर से इसको नाफ को ऑन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि वो साउंड फिर से आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ तो गाइस अभी ना तो साउंड आ रही है इसमें, हाँ साउंड नहीं आ रही है, तो गाइस ना तो इसमें से साउंड आ रही है और ना ही इसमें से स्मेल आ रही है, इसका मतलब हमारा जो ये रेगुलेटर है ये सही लगा है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।